आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई रुक करते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में धर्म संसद का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां धर्म संसद के आयोजक रहे स्वामी यति नरसिंहानंद को 15 फरवरी को हरिद्वार के जिला न्यायालय में जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वह आज जेल से रिहा हुए। रिहा होने के बाद फौरन बाद स्वामी यति नरसिंहानंद सर्वानंद घाट पर दोबारा से तपस्या पर बैठ गया। स्वामी यति नरसिंहानंद का कहना है कि अभी भी मेरा एक भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में है और जब तक वह जेल से रिहा नहीं होता तब तक किसी घाट पर तपस्या पर बैठा रहूंगा। बहुत लंबी है, अभी जितेंद्र त्यागी जी बाहर नहीं आए हैं और वंदे मातरम जय श्री राम। बहुत कमजोर धाराओं में हम लोगों को मुकदमा हुआ था, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कुछ अपराध तो किया नहीं था, केवल अपनी आत्मरक्षा की बात कर रहे थे। जब तक जितेंद्र त्यागी जी बाहर नहीं आते तब तक मैं इसे अपनी रिहाई नहीं मानता और मैं अभी सर्वानंद घाट पर जा रहा हूँ और मैं वहीं बैठा रहूँगा। जब तक वो नहीं आते मैं उनका बाहर वहीं पर बैठ के इंतजार करूँगा। हाँ, मैं सर्वानंद घाट चला जाऊँगा, यहाँ से क्योंकि वहीं से मुझे पुलिस उठा कर आई थी, मैं वहीं चला जाऊँगा। और जब तक भाई साहब बाहर नहीं आते, जितेंद्र त्यागी जी बाहर नहीं आते, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं वहीं बैठा। उत्तराखंड की हसीन वादियों से हर कोई वाकिफ है। उत्तराखंड में लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। कई अभिनेता भी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अभिनेता अक्षय कुमार भी उत्तराखंड पहुंचे, तो वहीं आज डोईवाला के थाने में एक भोजपुरी फिल्म गंगा किनारे परदेशी की शूटिंग हुई, जिसमें भोजपुरी अभिनेता सत्येंद्र सिंह राजपूत और तनुश्री चटर्जी अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्रदेश है जहां नदियां, झरने, पहाड़ हैं। अभिनेत्री तनुश्री चटर्जी ने कहा कि पहले भी उत्तराखंड आ चुकी हूं, उत्तराखंड जैसे हमारे देश में कोई और जगह ही नहीं है। पहली बार मैं ऋषिकेश नहीं आ रहूँ, इससे पहले मैं आ चुकी हूँ ऋषिकेश में। एक फिल्म किया था, डिवोशनल फिल्म था, फिल्म का नाम आदिशक्ति, रजा मुराद जी थे उसमें, मैंने उनके साथ काम किया था। फिल्म था 2009 या 10 में किया था। ये दूसरी बार है, देवभूमि है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही पवित्र स्थान में आए हैं और दिल से दुआ है कि जिस फिल्म को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए, ये फिल्म हमारी सुपर डुपर हिट है। मैं हूँ आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह और आज हम लोग अपनी फिल्म भोजपुरी गंगा किनारे परदेशी का शूट करने के लिए आए हैं। और पवित्र स्थल देवभूमि जो हमारा उत्तराखंड है, देवों की नगरी है, और हम यहाँ पे आके हमें इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लग रहा है और आशीर्वाद प्यार दुलार जो मिला है, तो इसके लिए पूरे एकदम देवभूमि उत्तराखंड को दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हम लोग आज शूटिंग कर रहे हैं, हमारी को आर्टिस्ट हैं तनुश्री जी, काफ़ी इन्होंने फिल्में किया है और हम दोनों साथ इस फिल्म में कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लक्सर में एक व्यक्ति खाने की ठेली लगाकर अपना गुजर बसर करता है। दुकानदार की पत्नी और बच्ची सामान लेने के लिए बाजार पहुंचे और अचानक बाजार से बच्ची गायब हो गई। बाद में बच्ची को ले जाने वाले युवक से पूछताछ लोगों ने की। सही जवाब न देने पर लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। वही सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को अपने साथ कोतवाली ले आई। फिलहाल इस मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है और आरोपी को पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। रुड़की में रोटरी क्लब अपर गेजेंस की ओर से 100वां पेशेंट प्रोजेक्ट सहयोग मनाया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग बेटियों और पुरुषों का कृत्रिम अंग देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। साथ ही जिन लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान दिए जा चुके हैं उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित करते हुए DG रोटेरियन अजय मदान ने कहा कि दिव्यांग लोगों का जीवन परिवर्तन करना और उनकी जीवन शैली को जितना हो सके आगे बढ़ाने ही रोटरी क्लब का उद्देश्य है। क्लब इसी साल में हमने नया चालू किया था और लेडी प्रेसिडेंट है हमारी निधि शांडिल्य जी, इनके नेतृत्व में ये क्लब बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये इस प्रोजेक्ट जो सहयोग है, इनमें से 10 पेशेंट्स इन्होंने अकेले ही स्पॉन्सर्स किए हैं। और सबसे बड़ा हमारा जो प्रोजेक्ट रुड़की अपर गेंजिस के नीचे, हम बेटियां के नाम से, बेटियां हमारा धन हमारा सम्मान, उनके लिए हमने प्रोजेक्ट किया है,
जिसमें हमने गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप्स, उनको जो नीडी गर्ल्स थी उनको साइकिल्स, और सबसे बड़ी बात ये सेल्फ डिफेंस के हमने कैंप्स उसमें लगाए हैं। इस तरह का प्रोजेक्ट हमने ये किया है। और इसके अलावा ये जो नया क्लब बनाया है, ये इसमें बड़े अच्छे यंग वाइब्रेंट रोटेरियंस हैं एंड दे पीपल आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन रोटेरियंस। कि हमने शुरुआत में की थी कि जो सब्जी बेचने वाले हैं उनको रेनकोट देने की शुरुआत की थी। एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने पूरे कनाल के दोनों ही तरफ यहाँ से लेकर भगवानपुर तक जंगलों में कई जगह बैम्बू एक प्लांटेशन किया है। 2 मिलियन जैसे कि सर ने बताया, 2 मिलियन टोटल प्लांटेशन किए हमने। 1.5-2 kg का बैम्बू सीड्स रोटरी क्लब अपर गैंसिस ने ही प्लांट, मजबूती बहुत मिलेगी। हमारे जो सलाह देने वाले लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे क्लब के मेंबर्स हैं और बहुत स्ट्रेंथ है हमारे मेंबर्स में, तो बहुत अच्छे करेंगे। और कोशिश करूंगी मैं कि इस क्लब को आगे बढ़ाया जाए और सारे मेंबर्स साथ मिलकर और अच्छा काम किया। कालाडूंगी विधानसभा के चकलुआ सूरपुर गांव के ग्रामीणों ने बन रहे एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गोवर्धन कापड़ी के माध्यम से उपजिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा है। वहीं केमिकल फैक्ट्री निर्माण का विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि निर्माणाधीन केमिकल फैक्ट्री ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत नहीं होने के कारण इसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। केमिकल फैक्ट्री के मानकों और NOC मानकों के अनुरूप नहीं है। HM महोदय का हमने 2-3 बार मुआयना कर दिया, विधायक महोदय का करा दिया, लेकिन HM महोदय ने कहा था जब तक पूरे मानकों का वो नहीं मिलता है तब तक आप काम स्टार्ट नहीं करेंगे। ये कभी रात को, कभी सुबह, कभी शाम को ऐसे करके लाके वहाँ माल लाके काम स्टार्ट करने की सोच रहा है। इस आज सुबह भी ने अपने ईट और वो भेजे थे जिसको हम ग्रामवासियों ने रोका, और आज हम इसी उसमें HM साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। ये है कि पिछले कई समय से क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है पूरे क्षेत्र की जनता द्वारा। तो इसमें पहले भी HM साहब ने मौका मुआयना करने के साथ ही उनमें निर्देश दिए थे कि भैया इसमें जब तक वो नहीं कहेंगे उसमें काम नहीं चालू होगा। वो बीच बीच में जब भी गांव वालों के वहां पर नहीं होते हैं रात में, उस समय पर वो काम स्टार्ट कर देता है। आज सुबह भी उसने वहां पर जब HM साहब के कहने के बावजूद वो काम स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें गाँव वालों ने काम रुकवाया है। आज फिर हमें ये पूरे गाँव वाले यहाँ पर आए हैं, 5 ग्राम सभा के वहाँ पर प्रधान, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य सब लोग वहाँ पर, और ग्रामीण लोग कोविड का नियमों का पालन करते हुए और आचार संहिता का नियम का पालन करते हुए वहाँ 5-5, 7-7 लोग हर दिन वहाँ पर बैठ रहे हैं हम लोग। फेरान कलियर में एक बाइक सवार व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। वहीं गुलदार के हमले में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। कई हादसे के बाद ग्रामीण की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं वन विभाग के रेंजर मयंक गर्ग का कहना है कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला गुलदार ने किया है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। 11 बजे यहाँ से गाड़ी लेके निकला, ठीक है। उस समय 2 लड़कियाँ मुझे यहाँ मिली जो हमारे गांव की रहने वाली है, माजरी गांव की, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि हम वो लोग यहाँ से पैदल जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें गुलदार मिला है और वो वापस यहाँ से निकली। मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, मैंने उन्हें भगवानपुर छोड़ा, मैंने उनसे पूछा कि छोटा गुलदार है या बड़ा है। उन्होंने कहा छोटा था और वो निकल गया यहाँ से। वो अभी शाम के टाइम जब मैं वापस आ रहा था, ऑफिस आते हुए तो देखा कि लोगों यहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो उस समय ये दूसरा मामला सामने आया। तो उस समय ये मालूम हुआ कि हो सकता है गुलदार का भी हो सकता है, और दूसरा कोई मामला है तो पुलिस और विभाग दोनों उसकी जांच करें और न्यायिक जांच होगी। इस जांच का जो है पता लगेगा कि वास्तविकता हुआ क्या है। एक व्यक्ति का यहाँ पर गुम्मा वाली माजरी गाँव के समय पर बॉडी मिला है, जिसके गले पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं। जो स्क्रैच अभी देख के लग रहे हैं उससे ये तो नहीं प्रमाणित हो पाएगा कि ये गुलदार के हमला किया हुआ है, परंतु इसके इस संभावना से ये भी नहीं कहा जा सकता उसे देखते हुए अभी कि ये गुलदार का हमला नहीं है। इसका प्रमाणित PM होने के बाद ही हो पाएगा कि ये घटना किस कारण हुई है। तो प्रथम दृष्टया तो घटना के बारे में कोई जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अभी PM के लिए दरोगा जी यहाँ पर हैं, SO साहब हैं यहाँ पर, तो ये PM के लिए जाएगा तभी ये कन्फर्म हो पाएगा कि ये क्या घटना किस कारण से हुई है। उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं और EVM में हर चीज कैद है। जो 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, चुनावी नतीजों को लेकर देहरादून में प्रीतम सिंह का बड़ा बयान आया है। लोगों ने अब बदलाव का मन बना लिया है, हम सभी को ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। आप भी सुनिए प्रीतम सिंह का यह बयान। EVM में हर चीज कैद है जो 10 मार्च को खुलेगी, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के दरमियान लोगों का मिजाज था
उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि उत्तराखंड के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई, इसलिए निश्चित रूप से 10 मार्च को भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। मैंने ये नहीं कहा कि संभव नहीं है, हमने कहा कि हम सभी को देने का प्रयास करेंगे। और देखिए, हरीश राव जी ने कहा है, हमारे गौरव वल्लभ जी ने भी कहा है, तो हम सभी को जो है गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। ईवीएम में उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।